दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टूडियो इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 पर। दोस्त लगातार अगर देखा जाए, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हमारे बीच में कब आएगी। देख पा रहे हैं 23 अप्रैल बिग अपडेट्स नोटिफिकेशन हुआ जारी, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आप देख पा रहे हैं, लिखा गया है उम्र में मिली 3 वर्ष की छूट। जाहिर सी बात है, प्रत्येक विद्यार्थी के मन में प्रबल इच्छाएं हैं कि हम जैसे उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पिछले कई वर्षों से आपके बीच में नहीं आई है, जिसे लेकर कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। उनके मन में यह हमेशा उठता रहता है कि आखिरकार उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आवेदन कब से होगा, योग्यता संबंधी योग्यता आपकी क्या होगी, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले इधर आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ भर्ती उम्र में 3 वर्ष की छूट, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। सीआरपीएफ का ऑनलाइन आवेदन आपके बीच में चल रहा है, अगर आप इच्छुक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 25 अप्रैल तक अंतिम तिथि है। और अगर देखा जाए इस सीआरपीएफ भर्ती में आपको 3 वर्ष की वरीयता मिली है, अगर इस चीज को आप देख पा रहे हैं, अगर इस भर्ती में आपको 3 वर्ष की वरीयता मिली है तो जाहिर सी बात है यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपकी प्रबल इच्छा है कि हमें 3 वर्ष की छूट मिल जाए। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, लगातार हम सभी के लिए यह संघर्ष जारी है कि आप सभी को 3 वर्ष की छूट मिल जाए। यहां आप पूछ रहे थे कि आवेदन कब से होगा, आवेदन संबंधी अगर हम बात करें तो अभी भी फिलहाल के लिए आपसे हम बताएं तो भर्ती एजेंसी की तलाश है। जैसे ही आयोग को भर्ती एजेंसी की तलाश पूरी होती है, तत्काल आपके बीच में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। संभावनाएं जो जाहिर की जा रही है वो मई के लास्ट तक आपके बीच में आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कराने की ये प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। और यहां देखिए, अब आप लोग रहे थे कि भैया क्या 2023 में ये भर्ती हमारी फाइनल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा 2023 में भर्ती फाइनल होगी। इसका अगर हम बात करें, इसका किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और इसके बाद हम बात करें, आप परीक्षा संबंधी बातें पूछ रहे थे कि इसकी परीक्षाएं 2023 में होंगी या नहीं होंगी, तो इसकी भी गारंटी कोई नहीं ले सकता कि इसकी परीक्षाएं 2023 में हो ही जाएंगी। योग्यता आपकी क्या होगी, योग्यता के संदर्भ में जब आपका जो है पूरी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अधिकतम अगर योग्यता की हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन रखा जाएगा, इससे ज्यादा आपकी योग्यताएं नहीं रखी जाएंगी। अभी तक बात करें हम यूपी पुलिस के लिए, ज्यादा से ज्यादा योग्यताएं आपकी इंटरमीडिएट रखी जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस बार हम बात करें, अगर कोई परिवर्तन होता है तो योग्यता संबंधी परिवर्तन होगा तो ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी योग्यताएं रखी जाएंगी। यहां आवेदन के लिए हमने आपसे चर्चा किया, उम्र में आपको 3 वर्ष की छूट इन्हें हर हाल में देना पड़ेगा, चूंकि ये प्रबल इच्छाएं हैं प्रत्येक विद्यार्थी के कि हम सबको जो है 3 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से हमारे बीच में आ रही है और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पूरी तरह से ओवर एज हो चुके हैं और उनकी इच्छा है कि 3 वर्ष की छूट मिलने की। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।